क्या फिर से कांग्रेस में वापसी करने वाले हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह? क्या सोनिया गांधी से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की है? और पंजाब के पूर्व सीएम ने खुद बताई है सोनिया गांधी से मीटिंग की सच्चाई। दरअसल ये सवाल इसलिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि अमरिंदर सिंह जब से सोनिया गांधी से मिलकर आए हैं उनके बयान की खास चर्चा हो रही है। इस छोटी सी रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा मीटिंग में हुआ क्या कि अचानक से अमरिंदर सिंह के कांग्रेस में वापसी करने की अटकलें तेज हो गई। दरअसल जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी गलियारों में सरगर्मियां तेज हैं। इस बीच दावा यह भी किया गया कि लोकसभा चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह फिर से घर वापसी यानी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने इसी सिलसिले में कांग्रेस के हाईकमान सोनिया गांधी से भी मुलाकात की है, लेकिन कैप्टन ने इन दोनों ही बातों को अफवाह बताया। उन्होंने सोनिया से मुलाकात की बात को नकारते हुए कहा कि उनसे मीटिंग के मुद्दे की जो सच्चाई है वो मैं आपको बताता हूं। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस के सीनियर लीडर सोनिया गांधी की मुलाकात की बातें चल रही हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें भी चली जिस पर खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अंकुश लगा दिया है। पंजाब के दो बार पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इन तमाम खबरों को अफवाह बता रहे हैं और खारिज कर रहे हैं। उनकी कोई मुलाकात सोनिया गांधी से नहीं हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर जो भी खबरें इस तरह की चल रही हैं उसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। अमरिंदर सिंह ने यह कहा कि वो बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने हमेशा के लिए बीजेपी के साथ रहने का अपना मन बना लिया है। वो हमेशा बीजेपी के साथ प्रतिबद्ध रहेंगे। अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा कि उनका सिद्धांत है कि एक बार फैसला लेने के बाद वो कभी पलटते नहीं। आपको बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से हटाए जाने के बाद कांग्रेस छोड़ी थी। उनकी कांग्रेस में रहते हुए नवजोत सिंह सिद्धू से अंदरूनी जंग, अंदरूनी बहस, अंदरूनी कलह ये सारा कुछ देखने मिला था। उस समय कांग्रेस हाईकमान सिद्धू के साथ थी तो उन्होंने कैप्टन को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। 20 सितंबर 2021 की ये बात है जब कैप्टन ने अपने पद को छोड़ा तो कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया था। और इन सभी पदों इसी पूरे घटनाक्रम के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी थी और वो कमल के साथ यानी बीजेपी के साथ आ गए थे। कांग्रेस के पूर्व नेता अमरिंदर सिंह एक साल पहले बीजेपी में शामिल हुए थे और उन्होंने अपनी पंजाब लोक कांग्रेस को भाजपा में विलयित कर लिया था, यानी विलय कर लिया था उसका। और अमरिंदर सिंह ने बेटे रणिंदर सिंह और बेटी जय इंदौर कौर के साथ बीजेपी में शामिल होने की खबर बताई थी। और अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने पर कांग्रेस छोड़ने के बाद 2021 में पीएलसी का गठन किया था, लेकिन उनकी पार्टी 2022 के राज्य विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसमें एक भी सीट जीत नहीं पाई थी और वो खुद अपने क्षेत्र पटियाला से भी चुनाव हार गए थे। पटियाला शहर से वो हमेशा से चुनाव लड़ते रहे। इस बीच बीजेपी ने कैप्टन को ऑफर दिया और उन्होंने अपनी पार्टी का विलय बीजेपी के साथ कर लिया और खुद भी बीजेपी के साथ आ गए। वहीं अब जब पंजाब की राजनीति में अटकलें लगाई जा रही हैं कि पंजाब कांग्रेस नेतृत्व अपने कुछ पूर्व नेताओं के साथ बातचीत कर रहा है तो उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी में वापसी करने के लिए मनाया जा रहा है, तो अमरिंदर सिंह के अलावा कांग्रेस सरकार के पास कुछ पूर्व मंत्रियों के अलावा पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सुनील जाखड़ भी हाल के दिनों में बीजेपी में है, जो उनसे भी बात कही जा रही थी। बीजेपी में शामिल होने वाले पूर्व कांग्रेस मंत्रियों में मनप्रीत बादल, गुरप्रीत सिंह कांगड़, राजकुमार वेरका, सुंदर श्याम अरोड़ा, बलबीर सिंह सिद्धू, राणा गुरमीत सोढ़ी ये सारे नाम शामिल हैं। अब अचानक फिर से कांग्रेस में जाने की जो बात है वो उठी है, लेकिन फिलहाल जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है उन्होंने इस पूरी बात पर विराम लगा दिया और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो इस तरीके की खबरें चल रही हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी में वापस जा रहा हूं या मैंने सोनिया गांधी से मुलाकात की है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारी खबरें पूरी तरह से अफवाह हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।